इसके बाद बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं जी? कहते हैं इनवॉइस फॉर स्टेशनरी 100 वॉज एंटर्ड एज अ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का क्या मतलब? हमने स्टेशनरी खरीदी है, इनवॉइस का मतलब हमने खरीदी है और हमने उसको ट्रीट कर लिया जैसे हमने स्टेशनरी बेची है। यार मुझे बताओ, जब स्टेशनरी खरीदते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? स्टेशनरी डेबिट और सप्लायर क्रेडिट, सप्लायर लाइबिलिटी। स्टेशनरी डेबिट इसलिए होती है क्योंकि अगर स्टॉक खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता है स्टॉक या गुड्स, लेकिन स्टेशनरी जो है अगर खरीदेंगे वो हमारे लिए स्टॉक नहीं है, वो यूज़ के आइटम है, तो स्टेशनरी डेबिट होना चाहिए सप्लायर क्रेडिट। हमने गलती क्या कर दी? हमने उल्टी एंट्री बना दी। क्रेडिट नोट का मतलब हमने ये अज्यूम किया कि हमने स्टेशनरी वापस दी, तो हमने एंट्री क्या बना दी होगी? स्टेशनरी को क्रेडिट कर दिया और सप्लायर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। आप करेक्टिंग एंट्री कैसे बनाएं? आप सही एंट्री बनाएंगे डबल अमाउंट, डबल अमाउंट। स्टेशनरी को 200 से डेबिट करें। क्यों? पहले जब स्टेशनरी खरीदी थी हमने गलती से क्रेडिट कर दी थी, अब अगर 100 से डेबिट करेंगे, डेबिट क्रेडिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, जो स्टेशनरी खरीदी है वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी, याद है रिवर्सल कह रहे हैं। तो स्टेशनरी को डबल अमाउंट से डेबिट और सप्लायर को डबल अमाउंट से क्रेडिट, तो बी आंसर आएगा जी।